हेलो एवरीवन, दिस इज सर्वेश फ्रॉम एसएस टेक। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्टॉक मार्केट में विदाउट लिमिट या फिर अपने शेयर्स के अगेंस्ट, आपके पर जो भी शेयर्स डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं, आपने जो भी शेयर्स परचेज किए उसके अगेंस्ट आप एक एडिशनल लिमिट ले सकते हैं एंड उस लिमिट के अगेंस्ट आप किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी सेगमेंट एंड किसी भी प्रोडक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। सो है ना अमेजिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको एक एडिशनल लिमिट मिल रहा है जिसमें आपको अपने बैंकिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है एंड आप उसके अगेंस्ट कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो आज हम इसी प्रोसेस से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्लेज एंड कोलैटरल। सो प्लेज एंड कोलैटरल बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है बिकॉज ये आपको एक ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड करता है जहां पर आपको एक एडिशनल लिमिट मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज प्लेज। तो हम लोग प्लेज का कॉन्सेप्ट अपने लाइफ में कभी ना कभी तो यूज करते हैं, जस्ट हमें एक वर्ड से अवेयर नहीं है। ओके, तो सबने एक वर्ड तो सुना ही होगा, राइट, गोल्ड लोन। तो उस गोल्ड लोन के प्रोसेस में होता क्या है, यूजर क्या करता है, उसके पास जो भी गोल्ड पड़ा हुआ है तो जब भी उसको पैसों की जरूरत होती है तो अपने गोल्ड को, नथिंग बट उसका एक असेट है, तो अपने असेट को बैंक के पास गिरवी रखता है, राइट। तो जैसे ही बैंक के पास गिरवी रखता है अपने असेट को, नथिंग बट इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लेज। ओके, तो प्लेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप अपने असेट के ऑनरशिप को, नथिंग बट आप जब उसके ऑनरशिप हो, राइट, तो अपने अपने असेट के अपने ऑनरशिप से अपने बैंक को ऑनरशिप फॉर द टाइम बिंग प्रोवाइड कर दिए, राइट। तो ये प्रोसेस होता है प्लेज। नाउ बैंक क्या करता है, जैसे ही आपने अपने गोल्ड को प्लेज कर दिया बैंक के पास, वो बैंक आपको उस गोल्ड के वैल्यूएशन का, तो जो भी गोल्ड का वैल्यूएशन रहेगा उसका 80% आपको पैसा प्रोवाइड करता है, राइट। जो क्योंकि आपने लोन लिया है, आपको पैसों की जरूरत है, तभी आपने गोल्ड प्लेज किया है, तो आपको 80% वो पैसा प्रोवाइड करता है एंड वो डायरेक्टली यूजर के अकाउंट में जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कोलैटरल, जिसके अगेंस्ट पे, गोल्ड के अगेंस्ट पे जो आपको लिमिट मिला हुआ है यूज करने के लिए, दैट इज नोन एज कोलैटरल। अभी होता क्या है, सपोज लेट से कि आपका जो असेट 1 लाख रुपीज के वैल्यूएशन का था, उस समय मार्केट में 1 लाख रुपीज का वैल्यूएशन का भाव चल रहा था, तो आपको जो कोलैटरल मिला रहेगा वो कितना मिला रहेगा, 1 लाख × 80%, नथिंग बट 80K। ओके, बाकी का जो 20% है जो बैंक ने अपने पास होल्ड करके रखा है, राइट, आपको सिर्फ 80K दिया हुआ है, वो इसलिए होल्ड करके रखता है कि सपोज कल को अगर भाव नीचे गया गोल्ड का तो बैंक को लॉस नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही भाव नीचे जाएगा तो पैसा तो वो ऑलरेडी आपके अकाउंट में दे चुका है, तो जैसे ही नीचे जाएगा 20% से तो लॉस बैंक को होने वाला है, तो वो लॉस बियर नहीं करेगा। ओके, इसलिए 20% वो होल्ड करके रखता है अपने पास। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे स्टॉक मार्केट में भी यूज होता है, जिसके आपको शेयर्स के अगेंस्ट पैसा मिलता है, राइट। यहाँ पे गोल्ड के अगेंस्ट मिला, वहां पे शेयर्स के अगेंस्ट, तो वो प्रोसेस कैसे होता है, लेट्स सी। तो होता क्या है, लेट सपोज आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, नथिंग बट आपके लेजर में 1 लाख रुपीज है, तो आप इस 1 लाख रुपीज के अगेंस्ट आप 1 लाख के वैल्यूएशन तक का शेयर्स परचेज कर सकते हो। तो आपने क्या किया, इस 1 लाख रुपीज के अगेंस्ट एक शेयर परचेज किया जिसका वैल्यूएशन था 1 लाख रुपीज। ओके, नाउ जैसे ही आपने ये शेयर परचेज कर लिया, नाउ आपके अकाउंट में बचता है 0 रुपीज। अब आपके पास कोई लेजर अकाउंट नहीं है बिकॉज आपने वो शेयर परचेज कर लिया। ये शेयर्स अभी कहाँ पे मैनेज होगा, आपके क्लाइंट के डीमैट अकाउंट पे, नथिंग बट जो भी आपका डीमैट अकाउंट होगा। ओके, तो ये क्लाइंट का डीमैट अकाउंट है जो कि सीडीएसएल मैनेज करता है, राइट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये डीमैट अकाउंट में जैसे ही आपका शेयर्स जाएगा, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक प्लेज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो प्लेज मीन्स आपने क्या किया, अपने ऑनरशिप को दूसरे के पास उसको ऑनरशिप बना देते हो, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे ही हम लोग अगर ट्रेडिंग फॉर्म की बात कर रहे हैं एंड ब्रोकिंग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो आप अपने शेयर्स का ऑनर आप अपने से हटा के ब्रोकर को बना सकते हो, जिसे विच इज नोन एज प्लेज कॉन्सेप्ट, राइट। तो जैसे ही आप प्लेज कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो आप जैसे ही प्लेस कॉन्सेप्ट यूज करते हो, मीन्स ब्रोकिंग एप्लीकेशन में ऑलवेज एक फंक्शनैलिटी दी जाती है टू प्लेस द शेयर्स, तो आप इस शेयर्स को प्लेस करके
ब्रोकिंग के डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स मूव कर सकते हो। ओके, तो ये शेयर्स आपके ब्रोकिंग डीमैट अकाउंट में मूव हो जाएंगे, राइट। तो अभी एक्चुअली आपने क्या किया, प्लेस करके आपने अपने ऑनरशिप से उस ब्रोकिंग को ऑनरशिप प्रोवाइड कर दी आपके शेयर्स के। तो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म क्या करता है, उस शेयर्स के अगेंस्ट नथिंग बट वो 1 लाख के वैल्यूएशन का शेयर था तो 1 लाख उस पर 80%, ओके 80% हो सकता है, 70% हो सकता है, 60%, इट्स डिपेंड ऑन द ब्रोकर टू ब्रोकर, दिस इज नॉट फिक्स्ड। ओके, इस परसेंटेज को बोलते हैं हेयर कट परसेंटेज। ओके, ये ट्रेडिंग लैंग्वेज में है जिसको हेयर कट परसेंटेज बोलते हैं। वो हेयर कट परसेंटेज लगा के आपको 80K का एक कोलेट्रल प्रोवाइड करता है, सेम लाइक गोल्ड, राइट। तो वो 80K आपके डायरेक्टली लेजर में ऐड होता है, नथिंग बट एक कोलेट्रल के टाइप में ऐड होता है, कोलेट्रल लिमिट 80K। तो अगर आपको देखना है तो आप अपने ब्रोकिंग एप्लीकेशन में एक फील्ड देख सकते हो जहां पे विच इज मेंशन कोलेट्रल लिमिट, जहां पे भी आप ट्रेड करते हो तो वो कोलेट्रल लिमिट के अगेंस्ट आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। तो वो लिमिट के लिए आपको कहीं अपने बैंकिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में मूव करने की जरूरत नहीं है, वो पैसा आप इस पैसे का कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेट्रल कैलकुलेशन। ओके, बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज नोन एज POA एंड नॉन POA। ओके, सो वॉट इज POA एंड नॉन POA? सो POA मीन्स पावर ऑफ अटर्नी। तो जब भी आप ब्रोकिंग फर्म में कोई भी अकाउंट खोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप खोलेंगे तो वहां पे एक दो ऑप्शन दिए जाते हैं विच इज नोन एज POA एंड नॉन POA। मीन्स पावर ऑफ अटर्नी अगर आपने ठीक किया या फिर पावर ऑफ अटर्नी आपने ब्रोकर को दे दिया है, राइट। तो ब्रोकर ऑलवेज आपके शेयर्स को अपने पास रख सकता है एंड ही इज ऑथराइज टू सेल दैट शेयर्स। वो उसको शेयर को सेल भी कर सकता है बिकॉज वो आपको बाय डिफॉल्ट वो कोलेट्रल देता है विदाउट प्लेजिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो वहां पे आपको प्लेज करने की जरूरत नहीं होती बिकॉज ऑलरेडी आपने वो पावर ऑफ अटर्नी दे दी है, तो वो आपके शेयर्स को कैसे भी मैनेज कर सकता है। एंड जैसे ही उसको लॉस दिखेगा कि मुझे लॉस होने वाला है बिकॉज वो आपको लिमिट दे रहा है, तो आपके शेयर्स को सेल कर सकता है। बट अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी है तो आपके शेयर्स पे ब्रोकर का कोई हक नहीं है, वो आपके शेयर्स को सेल भी नहीं कर सकता है और ना ही वो आपको लिमिट देगा जब तक आप उसको प्लेज नहीं कर देते हो। तो अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी तो वहां पे आपको प्लेज करने की जरूरत पड़ती है अगर आपको ये एडिशनल लिमिट चाहिए। तो जैसे ही आप प्लेज करोगे वो शेयर्स आपके क्लाइंट के डीमैट अकाउंट से वो ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में चला जाता है एंड वो आपको उसके अगेंस्ट एक लिमिट दे देता है। बट यहाँ पे सेलिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जैसे ही मूव कर दिया तो आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। आप उस अपने शेयर्स को तभी भी सेल कर सकते हो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में। तो जैसे आप शेयर्स सेल करोगे तो ये आपका कोलेट्रल रिमूव हो जाएगा एंड वो आपके प्रॉफिट या लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज आपने सेल कर दिया। ओके, तो जैसे ही आप सेल कर सकते हो उसको कैसे भी आपके अगर मूव हुआ है, आपको लिमिट मिल रहा है तो भी आपको ऑथराइज है, ओके, उसको सेल करने की एंड वापस से बाय करने की। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस एंड कोलेट्रल एंड ये आपको ट्राई करना चाहिए अगर आपको एडिशनल लिमिट चाहिए एंड आपके पास पैसा नहीं है एंड आप ट्रेड करना चाहते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेस एंड कोलेट्रल। थैंक यू सो मच।